Hello friends, as we are going with the series of this Indian Penal Code 1860 in those chapter 4, that is the general exception. So now we are going with the section 80 of the Indian Penal Code, that is the accident in doing a lawful act. सबसे पहले मैं आपको इस सेक्शन का ओवरव्यू दे देता हूँ. सपोज मान लीजिए दो रेसलर हैं, दो बॉक्सर्स हैं, वो बॉक्सिंग करते हैं. एक बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर की नाक पे एक पंच मारा और उसकी नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है. तो जिस पर्सन की नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है वो एफआईआर कराता है सामने वाले दूसरे जो बॉक्सर है उसके खिलाफ कि इसने मुझे पंच मारा इतना ज़ोर से कि मेरी नाक में से खून आ गया. तो इसको हर्ट का जो सेक्शन है 323 उसके अंदर इसको पनिश किया जाए. इसने मुझे हर्ट किया है. तो अगर हम जनरल कॉमन सेंस की भी बात करें तो हम पता कर पाएंगे कि बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जहाँ पे नाक में खून आ सकता है अगर एक पंच आपकी नाक पे लग जाए. तो कोई भी ऐसे एक्ट या कोई भी ऐसे काम जिनमें आपको लगता है कि कुछ नुकसान हो सकता है तो उनके खिलाफ यहाँ पे जनरल डिफेंस के अंदर जो सेक्शन 80 है जिसके अभी हम बात करेंगे इसमें डिफेंस दिया गया है. आइए अब हम सेक्शन की बात करते हैं. सेक्शन बात करता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. एक्सीडेंट का मतलब होता है कोई दुर्घटना. जो वर्ड एक्सीडेंट है यहाँ इंडियन पिनल कोड में डिफाइन नहीं है, तो एक्सीडेंट का जो मतलब है वो है दुर्घटना. कोई भी ऐसी घटना जो किसी का नुकसान कर रही है वो दुर्घटना होती है. सो एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. लॉफुल एक्ट क्या होता है? लॉफुल एक्ट वो एक्ट है जो लॉ आपको बता रहा है कि ऐसा करना सही है. उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ कर रहे हैं दैट इज अनलॉफुल. सो बात करते हैं हम इसमें. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून. नथिंग इज एन ऑफेंस मतलब है कि कोई भी ऑफेंस नहीं होगा विच इज डन बाय एक्सीडेंट, दुर्घटना हुई हो या मिसफॉर्च्यून मतलब होता है बदकिस्मती से. क्योंकि दोनों ही वर्ड आईपीसी में डिफाइन नहीं है तो इनका एक्चुअल जो हिंदी मीनिंग है वो है कि दुर्घटना या बदकिस्मती से. फॉर्चुनेट जिसको हम बोलते हैं ना, बोलते हैं किस्मत वाला है, तो मिसफॉर्च्यून बदकिस्मती से. एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट. और बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज. अब दो वर्ड है यहाँ पे, इंटेंशन और नॉलेज. इंटेंशन का मतलब होता है कोई भी कार्य करने का आपका मोटिव क्या है. आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका मोटिव क्या है, आपका फाइनल ऑब्जेक्ट क्या है उस कार्य को करने का, वो आपकी इंटेंशन होती है. और नॉलेज होती है जानकारी कि आप कोई एक्ट कर रहे हैं तो उसके होने से क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है. सो विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, ना कोई मोटिव है ना कोई जानकारी है इन द डूइंग ऑफ द लॉफुल एक्ट. वो लॉफुल एक्ट भी है. इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन. तो लॉफुल मैनर क्या है? जो तरीका है करने का वो भी लॉफुल होना चाहिए, एकदम सही तरीका. बाय लॉफुल मीन्स, तो जो इंस्ट्रूमेंट या जो भी ऑब्जेक्ट्स उसमें यूज लिए जा रहे हैं वो एकदम सही है. एंड विथ अ प्रॉपर केयर एंड कॉशन मतलब गुड फेथ की बात है कि आपका जो एक्ट हो रहा है वो प्रॉपर केयर और कॉशन में है, प्रॉपर केयर अटेंशन के साथ है, मतलब गुड फेथ में है, बैड फेथ नहीं है, आपकी इंटेंशन सही है. क्योंकि लिखा है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन. तो ओवरऑल जो ये सेक्शन बात करना चाह रहा है वो बात करना चाह रहा है कि आप कोई एक्ट कर रहे हैं तो वो लॉफुल एक्ट हो, वो लॉफुल मैनर में हो, लॉफुल मीन्स से हो और विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन से हो, और आपको कोई ऐसी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं हो और वो एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून हो जाए, तो यहाँ पे उस पर्सन को डिफेंस मिलेगा. इस सेक्शन के अगर हम एसेंशियल्स की बात करें तो एसेंशियल्स हैं कि समथिंग इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, जो एक्सीडेंट कोई दुर्घटना या मिसफॉर्च्यून हुआ है, या फिर देर इज एन एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज. क्रिमिनल इंटेंशन और जो नॉलेज है उसका एब्सेंस है यहाँ पे, वो नहीं हो रही है उस पर्सन की. ना तो क्रिमिनल इंटेंशन है ना उसका नॉलेज है ऐसी.
द एक्ट डन मस्ट बी अ लॉफुल एक्ट. जैसा कि मैंने बताया आपको, जो एक्ट हो रहा है वो लॉफुल एक्ट होना चाहिए. एंड मस्ट बी इन लॉफुल मैनर एंड लॉफुल मीन्स. जो तरीका है उसका करने का वो लॉफुल मैनर हो, और जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है उस एक्ट को करने के लिए वो लॉफुल मीन्स हो. इट मस्ट बी डन विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, और पूरा ध्यान रखते हुए वो कार्य किया जाए तो वो एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. वो इस जो कोई ऐसा एक्ट करेगा तो उसको डिफेंस मिल जाएगा. लेकिन जब वो एक्ट किया जा रहा है तो ये जो छः एसेंशियल्स हैं ये पूरे होने चाहिए. अगर इनमें से कोई भी एक मिस होता है या कोई भी एक इसके अगेंस्ट जा रहा है जो लिखा हुआ है, तो वो डिफेंस नहीं मिलेगा. इलस्ट्रेशन से समझते हैं. ए इज एट वर्क विथ अ हेडसेट. हेडसेट बोलते हैं कुल्हाड़ी को. ए एक पर्सन है जो काम पे है, किसी भी काम पे. काम क्या है? विथ अ कुल्हाड़ी. तो कुल्हाड़ी का काम है तो मतलब वो लकड़ी काट रहा है. द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन. अब जो कुल्हाड़ी में आगे का लोहे का हिस्सा लगा हुआ होता है उसको हेड बोलेंगे, और वो फ्लाई होता है. वो उस लकड़ी के हत्ते से निकलने के बाद पीछे की साइड किसी के पास जाता है और किल करता है किसी एक पर्सन को. किसी की सर पे जाके रखा गिरा होगा वो, तो उस व्यक्ति की मौत हुई. हु इज स्टैंडिंग बाय, जो वहाँ पे खड़ा था. हेयर इफ देयर वॉज नो वॉन्ट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए. अगर यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ए के पार्ट में प्रॉपर कॉशन देने की, मतलब जो लास्ट पॉइंट है कि प्रॉपर केयर या कॉशन होना चाहिए, तो केयर तो हो रही है और कॉशन भी हो रही है. ये चीज़ अगर लगता है कि ज़रूरत नहीं है बताने की, कि अगर आप किसी एरिया में जा रहे हैं और वहाँ पे काम हो रहा है लकड़ी काटने का, और वहाँ से अगर किसी पर्सन की जो लकड़ी काट रहा है उसकी कुल्हाड़ी में से कोई लोहे का जो आगे का हिस्सा है वो आपके आगे लगता है और आपकी डेथ होती है, फिर आपको हर्ट हो रहा है, ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, तो उसमें वो पर्सन लाइबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर कॉशन की ज़रूरत ही नहीं है. वहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये काम हो रहा है, तो इससे अगर कुछ भी नुकसान हुआ, कुछ भी एक्ट हुआ, और वो अगर एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून से हो रहा है, तो उसके लिए वो पर्सन लाइबल नहीं होगा. सो हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस. तो उसका जो एक्ट है वो एक्सक्यूजेबल है. हम एक और एग्जाम्पल समझ लें जिससे ये और क्लियर हो जाएगा. जैसा कि मैंने आपको एक बॉक्सिंग वाला एग्जाम्पल बताया, वैसे ही एक एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं. सपोज मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, या फिर आप क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, और अगर कोई सामने से खिलाड़ी है, महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, और वो अगर छक्का लगाते हैं और बॉल आती है और बॉल आपके सर को हिट करती है और आपको ग्रीवियस हर्ट होता है, तो आप महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ या कोई भी खिलाड़ी जो वहाँ खेल रहा है उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो उस पर्सन को यहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा इस सेक्शन में, क्योंकि वो जो एक्ट कर रहा है वो लॉफुल एक्ट कर रहा है. एक टॉर्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर एक मैक्सिम होती है, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया. उसका मतलब होता है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ वो लॉफुल कर रहा हूँ और इसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ. वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, जो इंजरी कर रही है वो मैंने नहीं करी है, मेरे एक्ट से हो रही है, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं है, मेरी नॉलेज नहीं है, वो एक एक्सीडेंट है. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.